हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट में जो भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आज की वीडियो में यही हमको सीखना है। तो पहले हम जान लेते हैं पोस्ट क्या है। तो आपको उत्तर प्रदेश में 4264 पोस्ट है और उत्तराखंड में 581 पद पर भर्ती आई है। इसका ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप फी ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। लेकिन इससे पहले हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि ये वीडियो सही है कि नहीं। तो देखिए, हमने सुबह ही अपना खुद अपना ही आवेदन किया है, वो आपको फॉर्म दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए और ये मालूम हो जाए कि वीडियो जो है जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं है। हाँ, इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप नहीं जानते इसका इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी सैलरी कितनी है और लास्ट डेट कब तक है, तो वीडियो के ऊपर एक आई बटन डिस्प्ले हो रहा है, उसे क्लिक करके वीडियो देख कर पता कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो चलिए, हम आपको पहले जो फॉर्म हमको रिसिप्ट मिला है वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम अप्लाई किए हैं उसका फॉर्म है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब जितना आपको लगा है जो जो भरे हैं सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। हाई स्कूल का मार्कशीट, कंप्यूटर डिग्री, सब इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है। स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लेते हैं। और ये देखिए, आपको फॉर्म जो भरेंगे 5 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरे में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और चौथे में प्रेफरेंस मतलब आपको चूज करना है कि हम कहाँ पर काम करेंगे, किस पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे, और पाँचवें में आपको प्रिंट कर लेना है। तो ऐसे ही आपका प्रिंट आउट होगा। तो चलिए, हम जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करें। मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और देखिए, आपके पास कोई भी ब्राउजर हो, गूगल हो, चाहे क्रोम हो, चाहे कोई ब्राउजर यूसी ब्राउजर हो, नजीला हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्रोम है, इसे ओपन कर लेना है या आप इंटरनेट ही ओपन कर सकते हैं। और आपको सर्च बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है ना, तो सर्च बॉक्स में देखिए दो टाइप कर सकते हैं। पहला आप टाइप कर सकते हैं ap post.in, या ये नहीं टाइप करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट टाइप कर देंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। चलिए, हम ap post.in ही टाइप करके ओपन करते हैं, इसे टाइप कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए, जो पहला वेबसाइट आएगा GDS वाला, यही आपको ओपन करना है, यही से हम फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो अभी हमने बताया। तो पहले चलिए, हम आपको यहाँ पे लास्ट डेट दिखा देते हैं। तो लास्ट डेट हमारा है 22 सितंबर 2021 और स्टार्टिंग डेट है 23 अगस्त 2021, मतलब इस डेट से चालू है और ये लास्ट डेट है। तो हमको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के पहले, अगर आप अप्लाई करने के पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उत्तराखंड पर क्लिक करेंगे तो उत्तराखंड का। तो चलिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन से आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फी पेमेंट करेंगे, उसके अप्लाई। तो चलिए, हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो चलिए, हम इसे और जूम कर देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से डिस्प्ले हो। तो और पास कर देते हैं। अब देखिए, आपको क्या क्या भरना है। जो पहला बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है और वो नाम भरना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार हो। जैसा आपका हाई स्कूल के मार्कशीट पर स्पेलिंग हो, उसी स्पेलिंग के फॉर्म में ये भरना है। ठीक, ये अपने आप कैपिटल लेटर में हो जाएगा। आप स्मॉल में भरेंगे भी तब भी आप कैपिटल लेटर में अपने आप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है फादर नेम, आप अपने पिता का नाम भरेंगे जैसा कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर है। ठीक, उसके बाद आप इसमें भर लीजिएगा मोबाइल नंबर, नीचे वाले बॉक्स में भरेंगे आधार नंबर और नीचे उसके नीचे वाले में ईमेल। तो देखिए, आपको मोबाइल नंबर वही भरना है जो चालू हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। हाँ, और एक मोबाइल नंबर से आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से कीजिएगा कि मोबाइल नंबर आपका चालू हो और OTP उस पर जाए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ऐसे नहीं भरना है कि जैसे मान लीजिए लिख देंगे 10/4/2000 चाहे 10/4/98, ऐसे आपको नहीं भरना है। आपको यहाँ पे जैसे टिप करेंगे तो देखिए कैलेंडर आ गया। अब कैलेंडर से अपना वर्ष चूज कर लेना है, महीना चूज करना है और यहाँ से तारीख, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, हम यूज इसलिए नहीं भर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप भर लीजिएगा, बता दे रहे हैं कहाँ 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 क्या भरना है और कैसे भरना है। तो आप यहाँ से डेट ऐसे भर लीजिएगा। ठीक, अब आपको आते हैं यहाँ पर जेंडर बना है। तो जो आपका जेंडर होगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तीन दोनों में साथ जो मन कर भर लीजिएगा। लेकिन अगर आप तीसरा भरते हैं ट्रांसजेंडर, तो आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए, हम मेल है तो मेल भर लेते हैं। तो देखिए, मेल भर दिए तो नीचे वाला बॉक्स हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि ये बॉक्स ट्रांसजेंडर के लिए ही है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी, मतलब आपका कैटेगरी भरना है कि आप किस श्रेणी से आते हैं। तो OBC से हैं या UR से हैं या SC के हैं या ST से। हम OBC से हैं तो OBC इसमें भर देंगे।
उसके बाद अगर आप EWS सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हैं, तो लेकिन आप URL में ST में जाएंगे तब आप भरेंगे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो परसेंटेज वर्सेंटेज है वो आपको भरने के लिए करा है, उसको अपलोड करने के लिए करा है। तो आप हमारे पास OBC है तो इसमें सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब और जूम करके ऊपर लेकर चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आ जाना है। हाँ एक बार बताना आपको भूल गए, यहाँ पर आपको जो जो रेड कलर का डिस्प्ले हो रहा है जो बॉक्स है, आपको वो बॉक्स कंपलसरी है कि उसे आपको भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। देखिए ये भी रेड है ना, तो आप पूछ रहा है कि आप में विकलांगता है तो है कि नहीं। तो अगर आप विकलांग होंगे तो यहाँ से कर दीजिएगा एस, तो लेकिन यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है और उसका कितना परसेंट है वो भरना है। तो हम कर देते हैं नो, तो देखिए नो कर दिए तो ये दोनों हाईलाइट नहीं हुआ है। इसमें आपको टाइप भरना है कि किस टाइप के आप विकलांग हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट भरना है। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं क्लास 10 आप किस राज्य से पास हुए हैं वो आपको राज्य भरना है। तो हम उत्तर प्रदेश से पास हुए हैं। आप अगर आप किसी भी राज्य से पास हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन ये है कि आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो मान लीजिए आंध्र प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, चाहे चंडीगढ़ से हैं, तो आप भर सकते हैं। तो हम चलिए उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे भर देते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्लास 10 किस वर्ष में पास हुए वो आपको भर देना है। तो 2015 में पास हुए वो भर देना है, लेकिन आप जिस वर्ष में पास हुए होंगे वो आपको भर देना है। ठीक, इतना बात समझ में आ गए। अब देखिए नीचे उसके बारे आ रहा है तो कह रहा है कैन यू राइड ए बाइसाइकिल, क्या आप साइकिल चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे यस, क्योंकि आप नो करते हैं चाहे यस करते हैं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो हम कर देते हैं यस। ठीक, उसके बाद आ जाए तो यहाँ पे कह रहा है क्या आप पहले किसी पद पर कार्य किए हैं कई, तो आप अगर किस पद पर मतलब अधिकारी होंगे तो यहाँ पे कर देंगे यस, और उसका NOC सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो हम कोई अधिकारी नहीं है तो कर देंगे नो। अब देखिए आपको नीचे क्या करना है, थोड़ा जूम आउट कर दें। ये जो कैप्चर कोड है आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद इस प्रीव्यू बटन से आप प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा, सही से मिला लीजिएगा कि क्या हम भरे हैं क्या नहीं भरे हैं, तो उसे मिला के प्रीव्यू देख लेंगे। ठीक, अब आ जाएंगे नीचे यहाँ पर तो एग्री क्या करने के लिए करा है, तो आप एग्री कर दीजिएगा। एग्री आपको यही करना है कि अगर हम जो फॉर्म में भरे हैं अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। ठीक, और दूसरा है कि हाँ हमने चेक करके देखा है, तो दोनों को हम कर देंगे एग्री कि हमने एग्री पूरी तरह फॉर्म को जांच किया है हमारा सही है। अब आप यहाँ पे करना है सबमिट, चलिए हम सबमिट करते हैं। लेकिन हम सबमिट करेंगे तो हमारा एक और फॉर्म खुलकर आ जाएगा, तो हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। लेकिन आपको देखिएगा अगर मान लीजिए सबमिट करेंगे तो कभी कभी क्या होगा तो आपको डायरेक्ट होम पेज पे भेज देगा, तो फिर से आपको ये फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही एक बार दो बार करेंगे अगर इंटरनेट स्पीड बढ़िया रहेगा तो एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए हम सबमिट, तो जैसे सबमिट किए हैं तो ये वाला फॉर्म ओपन होकर आ गया। तो अब आपको जो भरे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, नया यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। तो चलिए इसे हम जूम कर लेते हैं कि जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, हम ब्लर के यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 14 अंक का, यही मेन इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया तो समझिए ऑनलाइन एकदम आसानी से कर लेंगे, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगर प्रिंट करना है तो हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रिंट का बटन डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं या PDF के रूप में सेव कर सकते हैं, तो ये सेव कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे। अब आ जाएंगे हम बैक होम पेज पर, जो मेन हमारा होम पेज है यहाँ पर। तो हमने पहला कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब हमको करना है फी पेमेंट, तो यहाँ पर कर लेंगे फी पेमेंट पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि कह रहा है कि अगर आप एक बार पैसा पेड कर देंगे मतलब पेमेंट करेंगे तो दूसरे बार वो रिफंड नहीं होगा, आपका जो पैसा मतलब पेमेंट हो जाएगा रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो कर देंगे यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं आप पेमेंट कर लीजिए। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको बस एक ही यहाँ पे काम करना है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, अब यहाँ पे आपको कर देना है मेक पेमेंट। तो आप जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो एक और विंडो खुलकर आ जाए, तो चलिए हम करते हैं मेक पेमेंट। तो अब आपको यहाँ पे जैसे मेक पेमेंट किए हैं तो आपको पेमेंट करने का मेथड आ रहा है। तो आप किससे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या डेबिट और ATM कार्ड से। तो चलिए हम इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन हम करेंगे यहाँ UPI से। तो नीचे यहाँ पे UPI डिस्प्ले हो रहा है तो इसे हम कर देंगे एक बार टैप करके ओपन, क्योंकि हमें UPI से आसान पड़ता है तो UPI कर देते हैं। जैसे UPI करेंगे तो यहाँ पे कर रहा है मेक पेमेंट, तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करना है पेमेंट तो इसे हम कर देंगे पेमेंट। तो जैसे हम पेमेंट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 रुपये, ठीक, कन्वर्जन फी, ठीक, टोटल GST, ये सब आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ अब भी आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है पेमेंट तो प्रोसीड विथ पेमेंट क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि हमको यहाँ पेमेंट करना है, मर्चेंट नेम, पोस्टल
डेप्टर, ठीक 100 रुपये पेमेंट करना है और ट्रांजेक्शन आईडी। अब आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है और यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे पहले पेमेंट कर चुके हैं क्योंकि हम पहले ऑनलाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी नहीं डालेंगे। लेकिन आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे तो अपने यूपीआई आईडी डालेंगे, आप मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए टाइमिंग आएगा कि आपको 5 मिनट में पूरा पेमेंट करना है। तो जानते हैं अगर आप गूगल पे चलाते हैं या फोन पे चलाते हैं तो उसे ओपन करेंगे जैसे, तो उसमें एक मैसेज आएगा 100 रुपये का सेंड का, तो आप सेंड पर 100 रुपये डालिएगा और यूपीआई पिन डालिएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए पेमेंट हो जाएगा, वो आपको दिखाते हैं कैसा डिस्प्ले होगा क्योंकि हम कर चुके हैं स्क्रीनशॉट लिया, वही आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जो पेमेंट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है, पेमेंट ऑफ 100 रुपया टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद एक और इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आपने भारतीय डाक के लिए पेमेंट किया है और ये सब आपका फी आईडी, सर्विस नेम और ये सब रेफरेंस नंबर या बैंक रेफरेंस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं पर समाप्त। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको आ जाना है होम पेज पर। अब हमारा पहला स्टेप दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आपको तीसरे स्टेप पर आ जाना है। अब यहाँ पे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए ये भी 3 स्टेप में होगा, पहला फॉर्म फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट और सबमिट करना है, यही करना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा, देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है ये चेकमार्क लग गया है, तो ये कम्प्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है अभी बताए थे वो आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे वो कर दीजिएगा, उसके बाद आपको सर्किल चूज करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना है, उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तराखंड के लिए। तो हम उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं, इसे टैप करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। तो हमने दोनों भर दिया, अब यहाँ पर कर देंगे सबमिट। चलिए सबमिट करने के पहले आपको एक और बात बता दे रहे हैं, यदि आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म का स्टेटस। तो हम अप्लाई कर सकते हैं, कर लिए हैं, तो हम यहाँ से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर आपको सबमिट कर लेते हैं। तो जैसे सबमिट करेंगे वो एक और फॉर्म खुलकर आ जाएगा, चलिए हम उसे दिखाते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो रहा है और जो जिस राज्य के लिए अप्लाई किए वो। अब यहाँ पे ओटीपी भरना है, तो जो आप अभी मोबाइल नंबर इंटर किए हैं उस पर ओटीपी गया है, वही ओटीपी आपको यहाँ पे भर देना है और कर देना है नेक्स्ट। तो हम कर देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो जो आप भरे वो पहले से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है, तो देखिए आप जो एड्रेस आपका होगा वो भर दीजिएगा और जूम कर देते हैं ताकि आपको, और तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है और इधर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। तो अगर दोनों आपको सेम ही है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे तो दोनों जगह अपने आप फिल हो जाएगा जो प्रेजेंट एड्रेस में भरे रहेंगे। तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर भर दीजिएगा या अपार्टमेंट नंबर, उसके बाद जो आपका स्टिक है वो नंबर भर, यदि आप गाँव से हैं तो अपना हाउस नंबर कुछ भी डालिए, 2, 4 या 5 कुछ भी इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अपना विलेज भरना है और कौन सा शहर है वो यहाँ पे तीसरे वाले बॉक्स में भरना है। चौथे में आपको पंचायत भरना है कि आप किस पंचायत में आते हैं और कौन सा जिला है, तो ये आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, तो जो आपका पिन कोड होगा यही मेन है हमारा, पिन कोड आप भर देंगे तो समझिए आपका पूरा डिटेल हो गया। तो जो आपका पिन कोड होगा वो भर दीजिएगा और यहाँ पे टिक मारेंगे तो यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भरना है। तो आप जिस बोर्ड से हाई स्कूल पास हुए हैं वो बोर्ड यहाँ भरना है। यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी बोर्ड हुए हैं वो पूरे आ जाएंगे, CBSE बोर्ड, NCERT बोर्ड या UP बोर्ड। तो हम UP बोर्ड से पास की आउट हुए हैं तो यहाँ पे UP बोर्ड इंटर कर देंगे, ठीक। वहाँ पे रिजल्ट का टाइप भरना है कि आपका रिजल्ट का टाइप क्या है, मार्क वाला है या डिविजन वाला है, तो मार्क वाला ही है, तो यहाँ पे मार्क वाला भर दीजिएगा और यहाँ कर देंगे सेव कंटिन्यू। एक और पेज वो आप सेव और कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो हम एड्रेस भरे थे वो यहाँ पर आ गया है, ठीक वही एड्रेस यहाँ पर भी होगा। अब देखिए आपको यूपी बोर्ड भरे हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, ठीक। और जो रिजल्ट का टाइप है वो मार्क वाला यहाँ पे भरे। अब आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है अपना हाई स्कूल का मार्कशीट पर कि किस विषय में कितने नंबर आपको मिला है। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको जितना नंबर मिला होगा वो भरिएगा। हाँ, जो आपको स्कूल में 30 नंबर मिलता है उसको भी जोड़ कर आपको भरना है, ये नहीं कि आप उसे छाट देंगे तो परसेंटेज आपका नहीं बनेगा, उसे जोड़ कर भरिएगा। तो हमारे टोटल इंग्लिश में है 72 वो भर दें, वैसे हिंदी में 91 है तो वो भर दिए हैं, मैथ में 85 है वो भर दें, तो कितने में 100 में है वही भरना है, वैसे साइंस में 85 है या सोशल साइंस में 88 है, ये पूरा भर देना है। और पूरा भरने के बाद नीचे वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे कर दीजिएगा सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। पहला आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो की साइज 50 KB होनी चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है उसकी साइज 20 KB होनी चाहिए, उसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट
अपलोड करना है तो उसकी साइज आपको 200 KB का होना चाहिए। उसके बाद आप कंप्यूटर डिग्री है जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें उसका भी साइज 200 KB है। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं जो साइज है, जैसे फोटो है 50 KB का, तो आप लोग नॉर्मल फोन से या स्मार्टफोन से कोई भी फोटो खींचते हैं तो कम से कम 5 या 4 MB का आ जाता है, तो उसको साइज कैसे कम किया जाएगा, तो देखिए दो आइडिया है, दोनों में जो आपको बढ़िया लगा वो अपनाइएगा। पहला आइडिया ये है कि आप किसी ऐप के सहारा लेकर उसी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, और दूसरा आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, आप पहले उस फोटो को कैप्चर कीजिए उसके बाद अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक, तो उसकी साइज एकदम कम हो जाएगी, 300-400 KB में आ जाएगी। और फिर से हमको कम करना है तो उसे क्या कहिए, किसी व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आप जैसे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो और साइज कम हो जाएगी, आपको 40-30 KB में आ जाएगी। तो ऐसे हम साइज को कम कर सकते हैं, ऐसे हम भी किए हैं। तो आइडिया बढ़िया लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, तो ऐसे आपको पूरा अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको जो जो एग्री करने का बटन है तो पूरे एग्री करने वाले बटन को आप चेक मार्क लगाकर एग्री कर दीजिएगा, और यहाँ पे कर दीजिए सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको पहले आप दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या अपलोड किया है। तो देखिए हमने फोटो अपलोड, सिग्नेचर और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कंप्यूटर डिग्री अपलोड कर दिया। तो अब ऐसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो एक और आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो एक और फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इसकी भी साइज 200 KB की है, तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में चले जाना है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए हमने रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लिए हैं, और डॉक्यूमेंट भी अपना अपलोड कर लिए। अब आप यहाँ पे चूज करना है कि कहाँ आप काम करना चाहते हैं। देखिए 5 जगह आप काम करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो 1 से लेकर 5 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि किस जिले में किस पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहते हैं। तो जैसे चलिए एक बता देते, वैसे आप 5 चूज कर लीजिएगा। देखिए आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिला कि कौन से जिले में काम करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए हम देवरिया है तो देवरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो जो आपके गांव के पास पोस्ट ऑफिस होगा वो आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा पोस्ट ऑफिस का विवरण आ जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप 5 अपने आप भर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बचाना है। अब यहाँ पे करना है सेव और प्रिंट, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं सेव और प्रिंट। तो देखिए हमने सेव और प्रिंट कर दिया, तो ऐसा ऑप्शन पूरा हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस ऑनलाइन का है आवेदन का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपको जो जो भरे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए पूरे पे चेक मार्क लग गया है कि आप 5 प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, तो प्रिंट वाला भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो अभी बताते हैं आपको कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा कि कुछ गलती नहीं ना है, अगर गलती हो भी गए तो सुधार अब होने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि चारों ओर मेरा ये वीडियो चले। ठीक, अब चलिए हम बताते हैं कि कैसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा है प्रिंट का बटन, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास प्रिंटर नहीं है तो यहाँ प्रिंट पर डालेंगे तो यहाँ PDF सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप PDF में सेव कर लीजिएगा, और चौराहे पे जाकर प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा। तो ऐसे हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।